आप लोग अपने बाइक का PUC बनाना चाहते हैं या फिर अपने बाइक का PUC कार्ड को डाउनलोड्स करना चाहते हैं, तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि PUC कार्ड को कैसे डाउनलोड्स किया जाता है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग ये सीखेंगे कि PUC कार्ड के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, तो गूगल पे आप लोगों को सर्च करना है परिवहन। ध्यान रखना, जैसे ही आप लोग गूगल पे परिवहन को सर्च कर लेते हैं तो आप सभी लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आपको दोस्तों सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट के ऑप्शन पर ही क्लिक कर लेना है। आप सभी लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आप लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर टैप करेंगे। जैसे ही आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर टैप करते हैं, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले आना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे PUCC का एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग PUCC के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप सभी लोगों को एक नए वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब आप लोगों के सामने एक यहाँ पर पॉपअप आएगा, आप लोगों को इस पॉपअप को कट कर देना है। चलिए इसे हम लोग कट कर दें। अगर दोस्तों ये जो पॉपअप आपको शो हो रहा है, ये पॉपअप ना कटे, देखना मैंने भी यहाँ पर परेशान हुआ और ये पॉपअप कट नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गूगल पर सिंपली सर्च कर देना है PUC, उसके बाद लिखना है सर्टिफिकेट, उसके बाद लिख देना है डाउनलोड। ठीक है, अब जैसे ही दोस्तों आप इतना सर्च करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हो जाता है। देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे, तो मैं आपको उस वेबसाइट को पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट जो मिल रहा है, देखिए PUC सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप लोगों को इसी पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने एक नया वेबसाइट ओपन हो जाता है, जहां पर आपको कुछ डिटेल्स को फिल करना होता है। यहां पर आप लोग देखेंगे, आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने बाइक का जो आप लोगों का RC होता है, RC बुक उसे ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, यानी कि जो करके रहता है UP व्हाट्सएप ऐसे करके रहता है आप लोगों का नंबर, आप लोग उसे यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जाता है क्लासिक नंबर, लास्ट 5 डिजिट। ठीक है, तो मतलब लास्ट का सिर्फ 5 डिजिट ही आपको यहाँ पर फिल करना है, क्लासिक नंबर। अब इसे फिल करने के बाद ये जो कैप्चा कोड हो रहा है, जैसे लिखा है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, आपको उसे यहाँ पर फिल कर देना है। अब उसे फिल करने के बाद यहाँ पर PUC डिटेल्स के ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों ध्यान रखना, ये ब्लर रहेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बाइक का पूरा डिटेल्स रहेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे बताया जाता है कि आप लोगों ने कब अपना इंश्योरेंस कराया था और कब ये दोस्तों एक्सपायर होगा। ठीक है, पूरा डिटेल्स आपको मिलता है, कितना फीस लगा है 50 रुपये और कितने दिन का ये है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है और आपका बाइक का यहाँ पर फोटो भी मिल जाता है। ठीक है, अब इसे डाउनलोड्स करने के लिए यहाँ पर आपको बगल में प्रिंट्स का ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आप लोग इसे डाउनलोड्स करना चाहते हैं तो आपको प्रिंट्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके बाइक का जो भी PUC होता है उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर शो हो जाती है, जैसे कि कब ये एक्सपायर होगा, कब आपने बनवाया था। यहाँ पर एक बारकोड भी मिल जाता है, जिस बारकोड को स्कैन करके आपको सारी जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इसे आप लोग यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए और इसे प्रिंट करा करके रख लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप लोग PUC को बनवाएंगे। ठीक है, बहुत से सब्सक्राइबर इसलिए वीडियो वॉच कर रहे हैं कि उन लोगों से पता करना है कैसे PUC को बनवाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस पर भी बात कर लेते हैं। तो PUC को बनवाने के लिए आपको जाना होता है IT ऑफिस, लेकिन अभी आपको IT ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको गूगल पे सर्च करना है नियर मी, ध्यान रखना नियर मी, और उसके बाद लिखना है PUC टेस्टिंग सेंटर। ठीक है, अब जैसे ही गूगल पे आप नियर मी PUC सेंटर टेस्टिंग सेंटर को सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत से लोगों का डिटेल्स मिल जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोग उनसे बात कीजिए और देखिए दोस्तों वो कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैंने भी यही प्रक्रिया आजमाया और मेरा वो दोस्तों PUC बहुत आसानी से बन गया। मैं क्या किया, पहले अपना PUC को चेक किया कि हमारा PUC का एक्सपायर डेट कब है, और उसके बाद मैंने सर्च किया नियर मी PUC सेंटर। ठीक है, जब दोस्तों मैंने यहाँ पर चेक किया तो उसके बाद यहाँ पर मुझे बहुत से कॉन्टैक्ट नंबर मिले, तो मैंने उनको कॉल किया कि मुझे PUC अपना बनवाना है, कितना चार्ज लगेगा। तो वो दोस्तों यहाँ पर बताया कि 50 रुपये का चार्ज है, आप आइए बनवा लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर मैं गया और अपने बाइक का फोटो, मतलब बैक साइड का फोटो लेकर के गया,
या अगर आप चाहो तो बाइक ले जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाइक का फ़ोटो वहाँ पर लगता है जो नंबर प्लेट का होता है, तो उसे ले जाकर के दोस्तों मात्र 10 से 5 मिनट के अंदर ही आपका POC जनरेट करके आपको दे देते हैं, और जो भी दोस्तों उन लोगों का सर्विस चार्ज होता है वो आपका सर्विस चार्ज अपना ले लेते हैं। तो दोस्तों POC सर्टिफिकेट आप लोग कुछ इसी प्रकार से बनवा सकते हैं, और अभी तक ऐसी कोई वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई जिससे आप लोग स्वयं से POC सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर दोस्तों वर्तमान समय में कोई भी वेबसाइट लॉन्च किया जाता है जिससे आप लोग खुद से सर्टिफिकेट बना ले, तो दोस्तों उस पर मैं एक डेडिकेट वीडियो बना करके इस चैनल पर सबसे पहले अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी जानकारी समझ ना आई हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है जहाँ से आप हमसे संपर्क कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं कैसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। हमसे संपर्क कर पाएंगे।